सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ ने आज यानी 8 नवंबर को किश्तवाड़ बंद का आह्वान किया है। किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा में दो वीडीजी सदस्यों की आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने के विरोध में पूरे किश्तवाड़ में पूर्ण रूप से बंद रहेगा और कोई भी वाहन, कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान और कोई भी कार्यालय काम नहीं करेगा। सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ द्वारा जिला किश्तवाड़ की आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे बंद के आह्वान का पूर्ण समर्थन करें और अपनी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, दुकानें, वाहन आदि बंद रखें। आपको बता दें कि आतंकियों ने दो VDG नाजीर और कुलदीप कुमार की हत्या कर दी और उनके शव भी अभी नहीं मिल पाए हैं। वहीं सनातन धर्म सभा के प्रधान ने बताया, ये जो दो हमारे VDG मेंबर जो शहीद हुए हैं उसके उपलक्ष्य में आज पूरा किश्तवाड़ बंद चक्का जाम रहेगा। ये सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ की ओर से कॉल दी गई है। दिन ब दिन मिलिटेंसी बढ़ रही है, इसके लिए हम पूरी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ हमारे होम मिनिस्टर, यहाँ की जो हमारी UT की गवर्नमेंट है, इनसे हम अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कुचले ताकि आगे जो है और किलिंग्स ना हो। जिला किश्तवाड़ में सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ ने किश्तवाड़ बंद की जो है वो कॉल देर शाम दी थी, जिस पे अमल करते हुए जिला किश्तवाड़ का हेडक्वार्टर और आसपास के इलाकों में आज किश्तवाड़ बंद है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल देर रात जो है वो सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल हुई जिसमें ये बताया गया कि जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका ओहली कोंतवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले दो VDGs जिनका नाम नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार बताया जा रहा है, वो अपने लाइव स्टॉक्स को यानी माल मवेशियों को चराने के लिए कोंतवाड़ा के अपर रीचेज में गए हुए थे और देर शाम तक अपने घर नहीं लौटे। बाद में शाम के टाइम काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी फोटोग्राफ्स जो है वो वायरल होगी। इस पर जिला किश्तवाड़ की पुलिस ने भी जो है वो देर रात इंफॉर्मेशन देते हुए एक मैसेज में ये बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों VDG मेंबर्स जो थे वो अपने मवेशियों को चराने के लिए कोंतवाड़ा के अपर रीचेज में गए हुए थे और अपने घरों में वापस नहीं हुए। जहां तक ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेज का है, किश्तवाड़ पुलिस और इंडियन आर्मी ने मिलकर इस एरिया में जो है वो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है और किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज को भी इस एरिया में डिप्लॉय किया गया है ताकि जो दोनों डेड बॉडीज हैं उनको रिकवर किया जाए और जो इस अपर रीचेज में, कोंतवाड़ा के अपर रीचेज में जो हाइडिंग टेररिस्ट हैं उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाए। जहां तक ताल्लुक किश्तवाड़ बंद का है, आज किश्तवाड़ में तमाम तालीमी इदारे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर से बंद है और किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो VDGs की जो किलिंग हुई है, VDGs को जो शहीद किया गया है उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट भी हो रहा है, जिसमें जिला किश्तवाड़ के कुलीद चौक में और डाक बंगलो चौक में भी प्रोटेस्ट हो रहा है और किश्तवाड़ के पेरिफेरल एरियाज में भी तमाम दुकानें और तालीमी इदारे जो है वो बंद है। जहाँ तक ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेज का है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हेडक्वार्टर पे और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और लोग जो है वो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त हेडक्वार्टर पे जो है वो पुलिस चौक से प्रोटेस्ट जा रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और मीडिया से बात करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये डिमांड की सेंट्रल गवर्नमेंट से कि किश्तवाड़ में सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने के लिए और ज्यादा सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जहां एक तरफ काफी देर से इनपुट्स मिल रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस को कि किश्तवाड़ के काफी सारे फॉरेस्ट एरिया में, जिसमें छात्रों में भी पिछले महीनों देखा गया कि काफी जो है वो टेररिस्ट अटैक्स हुए जिनमें आर्मी की भी कैजुअलिटीज हुई, आर्मी के नौजवान भी शहीद हुए और लोगों ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की है कि किश्तवाड़ में सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने के लिए और ज्यादा इकदाम उठाने की अशद जरूरत है। इन्होंने सियासी कमेंट्स भी जो है वो इस प्रोटेस्ट के दौरान देखने को मिले, जहां पे कई सियासी लीडरान ने असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके साथ दीगर जमातों को स्पेशल स्टेटस के रेस्टोरेशन के लिए रेजोल्यूशन पास करने पे इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों ने उनको आड़े हाथों लेते हुए ये कहा और सवाल करते हुए कहा कि क्या वो लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे टेररिज्म को, जो यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों के साथ बात करने की वकालत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कल जिस तरीके से BJP के MLAs ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनको असेंबली से बाहर निकाला गया, मार्शल आउट किया गया।
इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की कि इस तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि किश्तवाड़ में सिक्योरिटी ग्रिज को मजबूत किया जाए और साथ साथ में वीडीजीज को भी मजबूत किया जाए, उनकी सैलरीज को जो है वो बढ़ाया जाए और उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दी जाए ताकि यहाँ पे अपर रेंजेस में किश्तवाड़ के फॉरेस्ट एरियाज में जो मिलिटेंट्स जो है वो हाइड कर रहे हैं, जो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं उनको जो है वो एलिमिनेट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ वीडीजीज भी जो है वो उनका अपना अहम किरदार अदा करें। आप देखते रहें जेके अपडेट, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन वो बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार, वो पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आए और लेटेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।